ना मारेगी दीवानगी मेरी। तो गाइस ये हमारा जो है मेन एक्ट्रेस आ गई है लीड रोल में। अरे अब तो आ गई, अब क्या, अब शर्माने से क्या फायदा। लेकिन लेकिन आज छुट्टी है तो देख रहे हो कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, काफी ज्यादा भीड़ है। और अभी से How are you? All fine. We are ready for the shoot. Hey guys, once again welcome back to my channel Wing Engineer. तो well guys, आज है 12th of May और आज हम लोगों का लास्ट एग्जाम है और लास्ट कॉलेज डे भी है। और आज लोगों का जो है, हम लोगों का जो है आज कॉलेज खत्म हो जाएगा। तो सभी लोग साथ में जा रहे हैं और इधर है वो चलो ले दो रहे। और काफी बुरा लग रहा है यार, दुख हो रहा है। लास्ट सेमेस्टर में जो है आपको एक या एक सब्जेक्ट मिलता है, अदरवाइज अगर आपका क्रेडिट पूरा हो गया है तो वो भी नहीं मिलेगा, आप फ्री रहोगे। और ये जो मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ ये NPTEL का है, स्वयं कोर्स करके, NPTEL कोर्स करके जो गवर्नमेंट की आती है, उसको 4 साल में आपको 4 देने होते हैं, सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप लोग पहले ही दे के रखोगे तो फिर लास्ट में नहीं मिलेगा, अदरवाइज लास्ट सेमेस्टर में जो वो एक एग्ज़ाम के तौर पे आपको कॉलेज में ही ऑफलाइन देना पड़ता है, पढ़ के देना पड़ता है। तो मनीष भाई आज लास्ट डे ऑफ कॉलेज है, कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत बुरा लग रहा है, दिल से बुरा लग रहा है। लास्ट डे ऑफ एग्जाम है, एग्जाम भी है, है ना, मिस करोगे इन सब चीज़ों को, मन नहीं कर रहा है जाने को। तो मनीष बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम ऐसा है कि घर जाने का मन नहीं कर रहा, नहीं तो पहले घर जाने का बहुत मन करता था, यहाँ रहने का मन नहीं करता था, है ना। तो अभी मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ क्योंकि 9:30 बज चुके हैं और टाइम भी हो गया है, तो अभी चलिए एग्ज़ाम हॉल पे चलते हैं, रूम नंबर 311 है मेरा क्लास रूम और बाहुबली। आ रहा हूँ चल जल आ रहा। तो अभी मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ गया हूँ क्योंकि एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। और बाहुबली को पहले तो इसी रूम में सिटिंग प्लान था, लेकिन उसका ID कार्ड या ID कार्ड जो होता है फॉर्म फिलअप के लिए वो इस रूम में नहीं था, तो उसको किसी और रूम में लेके चला गया है। तो वो आता है तो फिर हम लोग आगे निकलेंगे बाहर। तो बाहुबली ढोलता हुआ आ रहा है। कहाँ चल, पहले ये बता कि लास्ट डे ऑफ कॉलेज कैसा लग रहा है? तो ना चुतिया कटवा दिया रूम में बैठा के, इसको रूम में भगा दिया मेरे रूम से निकाल के। चलो तो अभी मैं आ गया हूँ कैंटीन और बाहुबली कुछ खिलाने वाला अभी हम लोगों को। शुरू करना चले पीछे से। तो गाइस हम लोगों का नाश्ता पानी हो गया और मेस में, सॉरी कैंटीन में काफ़ी ज़्यादा नॉइज था और कुछ ऐसे बच्चे थे जहाँ वीडियो नहीं बना सकता, नहीं तो बाद में मुझे ही एडिट करनी पड़ती, मतलब समझ रहे हो ना किस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब बाहुबली भाई साहब दिल्ली जा रहे हैं और ये लास्ट मीट है, इसके बाद पता नहीं कब मिलेंगे देखते ना, जल्दी मिलेंगे। उम्मीद तो है जल्दी मिलने का, बट कोई नहीं, हम लोग सेकेंड सेमेस्टर से आज फाइनल ईयर तक साथ हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, सबसे ओल्ड फ्रेंड यही है मेरा, आई थिंक मेरे ख्याल से, मुझे याद भी नहीं है ना। चल बाय सर, बाय। ना मारेगी दीवानगी मेरी। भाई गर्मी इतनी है कि ये जो सर है ये तरबूजे की तरह ब्लास्ट हो जाएगा फटाक, इतनी गर्मी है। तो फाइनली मैं आ गया अपने हॉस्टल अपने रूम पे और बाहर भाई साहब इतनी गर्मी है बच्चा ब्लास्ट हो जाएगा बम की तरह, सर एकदम से घूमने लगा आते आते, इतनी गर्मी है। ओह, और दूसरी चीज़ यार मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, मॉर्निंग से ही नींद आ रहा था, क्लास में गया एग्ज़ाम देने वहाँ भी नींद आ रही थी, क्योंकि 3-4 दिन से जो हमारा डे है काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता जा रहा है। आप लोगों को पता होगा ऑलमोस्ट, आप लोग जितने भी मेरे इंस्टाग्राम से इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि प्रतिभा क्लब के थ्रू एक नया सॉन्ग रिलीज होने वाला है, और उससे पहले जो क्या था कि एक शॉर्ट मूवी बनने वाली थी, लेकिन ये ट्रायल के तौर पे हम लोग सॉन्ग कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सॉन्ग देख के अच्छा लगेगा, क्योंकि 4 दिन का शूट कम्प्लीट हो चुका है और 2 दिन का शूट और बचा हुआ है, उसके बाद फिर एडिटिंग वगैरह होगी, तो ऑलमोस्ट 50-20 के बीच में ये सॉन्ग आप लोगों तक पहुँच जाएगा। तो आप लोग प्यार दिखाइएगा ज़रूर से ज़रूर, और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ प्रतिभा क्लब का, प्रतिभा क्लब GLU, वो उसको आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहीं पे लॉन्च जो है वहीं पे सॉन्ग जो है रिलीज की जाएगी। बाद बाकी यार ये हमारा आज का लास्ट डे ऑफ कॉलेज था, एग्ज़ाम था हमारा, और सभी बच्चे अब अपने घर जाएंगे और मैं अभी फ़िलहाल हूँ इस हॉस्टल में रहूँगा, और आशीष जो है मेरा छोटा भाई की तरह ही है और वो भी घर जा रहा है,
तो कल रात में काफी ज्यादा भावुक माहौल बन गया था, तो अभी वो निकलने वाला है, तो शायद आएगा तो मेरे से मिलता हुआ जाएगा। तो ये आशीष भी अब जा रहा है, तब कैसा लग रहा है लास्ट डे कॉलेज जा रहे हैं? तुम तो नहीं, हम जा रहे हैं। अरे नहीं सर, हम नहीं जा रहे, लेकिन बुरा तो लग ही रहा है। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे, मिलते तो रहेंगे जिंदगी भर सर। इधर किधर जा रहे हो? इधर जा रहे हैं। चलो ठीक है। क्यों इतना हुआ है तू खफा? अभी वो घर जा रहा है और 2 महीने के बाद आएगा आई थिंक। मैं तब तक शायद मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे, मैं चला जाऊँगा उससे पहले ही, तो पता नहीं अब क्या होगा बाद में। कि अब भूख तो मुझे लगी नहीं है, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि नींद भी काफ़ी आ रही है। फिर मैं जब जगूँगा तो फिर आगे का जो है वीडियो बनाई जाएगी। तो गाइज अभी 4:15 बज रहे हैं और मैं आ गया हूँ कॉलेज, और मुझे याद नहीं रहा कि ब्लॉग भी बनाना, तो अभी अचानक मतलब अभी सडनली याद आया कि यार ब्लॉग भी तो मैं बना रहा हूँ आज का। तो अभी सूट है अपना, एक्चुअली सूट कल का था, लेकिन कल फिर बर्डन हो जाएगा, कई सारे बच्चे घर चले जाएंगे, तो मैंने सोचा कि आज ही लास्ट शूट कर लेते हैं। कई सारे क्लिप्स बचे हुए हैं, अगर नहीं हो पाया तो फिर बाद में हम लोगों को मंडे को शूट करना पड़ेगा, ऐसा मुझे फील आ रही है अंदर से। बट ये लोग कह रहा है कि हो जाएगा, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा, फिर भी देखते हैं किसी तरीके से। और अभी अपना टीम कुछ जो है, जो अपना थीम है उसके लिए प्रिपेयर हो रही है हॉस्टल में गर्ल्स, क्योंकि बॉयज़ को टाइम नहीं है और उसको दिलचस्पी नहीं है शूट करने के लिए। सब ने फॉर्म भरा, बट मतलब कहते हैं ना कि पहले तो बहुत कोई उछलता, हम करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, जब टाइम आता तो अटेंडेंस फिस हो गया सबका। तो अभी हम लोग किसी तरीके से सूट कंप्लीट करना, जबकि इतना मेहनत हम लोगों का लग चुका है। तो अभी मैं दिखाता हूँ अपना टीम जो है, बालिके ये है अनुश्री फ्रॉम फर्स्ट ईयर, और मतलब काफ़ी अच्छा ये कट जाएगा वैसे भी, मुझे ब्लॉग भी नहीं। तो इन लोगों को बहुत अभी डर है, शौक सदमे में। हाँ भाग जल्दी, भाग के बहुत ले। और ये बालक वो चश्मा वाले भैया बहुत छाती लगा, मैंने बालों में। अरे बताओ दोबारा से, दोबारा क्या? दोबारा से हेलो, क्या बोलूं बताओ? इसमें कोई दोबारा नहीं होता, बोलो तुमसे ना हो पाएगा मुन्ना। और ये भाई साहब लगा ले लूस मार्क्स लगा। और ये जाना पहचाना चेहरा राजकुमार, मुझे तो बार बार देखा जा रहा है, बार बार देखा जा रहा है। और ये How are you? All fine. We are ready for the shoot. घबरा गया भाई पहले सुन के। हमारी जितनी टीम है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन वो जो हमारे एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं वो सब में थोड़ा सा नमी है, बट कोई नहीं, हम लोग किसी तरीके से ये शूट कंप्लीट करेंगे। तो अभी आ रही हैं सब रेडी होके, फिर देखते हैं। तो गाइस ये हमारा जो है मेन एक्ट्रेस आ गई है लीड रोल में, अरे अब तो आ गई, अब क्या, अब शर्माने से क्या फायदा। और ये हमारा कैमरामैन, और उसको क्या बोलते हैं जो साइड में रहता है, स्पॉट बॉय कौन है? ये इसका हरकत से ऐसा क्यों लग रहा है कि आने वाले दिन में ये डायरेक्टर बनेगी? हो सकता है वो डेडिकेशन उसमें ज्यादा है, बहुत अच्छी तरीके से सर काम करती है, इसलिए इसका प्रमोशन तो आपको करना पड़ेगा। अरे मैं कौन होता हूँ प्रमोशन और डिमोशन करने वाला। रेडी गो, तो गाइस फाइनली हमारा पैकअप हो चुका है और सभी बच्चे अपने अपने हॉस्टल जा चुके हैं और मैं भी हॉस्टल जा रहा हूँ, लेकिन आज छुट्टी है, तो देख रहे हो कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और अभी से शाम के 7 बजे तक इन लोगों को गाड़ी नहीं मिलने वाली है, और अक्सर देखा जाता है कि छुट्टी के टाइम ऐसा ही होता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, भैया मोबाइल ले लियो, लियो ठीक है, स्पेशल गाइज। फाइनली मैं आ गया अपने हॉस्टल में, तो जैसा कि आपने देखा कि मेरा डे कैसा चला लास्ट दिन, और ऐसा ही चलता रहा हमेशा। और इधर तो कुछ ज़्यादा ही मेरे ऊपर ओवरलोड आ गया था काम वगैरह का, तो आज का भी वैसे तो मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करना चाह रहा था और बहुत सारी
डॉट्स भी आप लोगों के आ रहे हैं तो वो सारे मैं क्लियर कर दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे तो हो नहीं पाएगा तो मैं किसी दिन लाइव आके संडे को मैं लाइव आ सकता हूँ। तो अगर आप लोग स्टे रहे ना और आप लोगों को इंस्टाग्राम पे पता चल जाएगी तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लो ताकि कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन हो या फिर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।